उत्तरा पुलिस ने शहर में तीन तीन चोरियों को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने सूने मकान में वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। आरोपी के ठिकाने के पास 1,30,000 रुपए जेवरात और कीमती सामान बरामद हुआ। देखिए रिपोर्ट। बेमतरा पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले कुछ दिनों में ही तीन तीन सूने मकान का सारा तोड़कर हजारों रुपए का माल पार कर दिया था। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी हुए जेवरात और कीमती सामान भी बरामद हुआ। जिससे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद उसने तीन चोरियां कबूल की गई है, जो कि पूर्व में यहाँ पे बेमतरा थाना में थे। इससे सोना और चांदी के जो ऑर्नामेंट है वो जब्त किए गए हैं और वर्तमान में मुझे को इन केसों में गिरफ्तार करके नाम पर भेजा गया। दरअसल कुछ दिन पहले बेमतरा पुलिस के पास कठिया गांव और पथर्रा गांव में रहने वाले अरुण साहू, पुरुषोत्तम रजक और नीला राम साहू चोरी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे। हालांकि ये वारदात अलग अलग दिन में हुई थी, लेकिन आए दिन हो रही चोरी ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। इसके बाद कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर वारदात का खुलासा हुआ और आरोपी हत्या करे। आरोपी ने जिस तरीके से तीनों वारदात को अंजाम दिया था, उससे साफ समझ में आ रहा था ये किसी एक गिरोह का कारनामा है। जांच चल ही रही थी कि एक मुखबिर ने संदिग्ध के सिमगा में छुपे होने की सूचना दी। बस फिर क्या था, पुलिस ने बिना फेरी किए आरोपी इमरान खान को दबोच लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की, तो एक एक करके वारदातों की परतें खुलती गई। आरोपी ने कबूल किया सर, 800 ग्राम जो चांदी है वो किसी व्यापारी साथ थी है, जबकि पुलिस इस मामले में छुपा रही। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उससे ये चीजें बरामद हुई और इन्वेस्टिगेशन में जो आते आएंगे और पुलिस के साथ इन्वॉल्व है तो उसको भी कहा। पुलिस ने आरोपी के ठिकानों से सोने चांदी के जेवरात, एक सोनी कंपनी का कैमरा और मोबाइल बरामद किए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,30,000 रुपए आंकी गई है। हवारात के लिए बेमतरा से दिलीप साहू की रिपोर्ट। हवालात में फिलहाल बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और वारदातों के साथ। तब तक के लिए आप रहे सतर्क और सावधान।